नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले हफ्ते उत्तराखंड समेत सारे देश ने जिस खबर के चलते बगवाल मनाई, वो ये थी कि भारतीय क्रिकेट टीम के रणबांकुरों ने T20 वर्ल्ड कप में अपने तिरंगे को सबसे ऊपर लहरा दिया। एक दशक से ज्यादा का सूखा खत्म हुआ और भारत विश्व विजेता बनकर उभरा। सोशल मीडिया पर तो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल ऐसा छाया कि अपने मुख्यमंत्री जी को भी फोमो होने लगा था। तब उनकी सोशल मीडिया टीम ने तुरंत ही उनकी एक रील बनाकर पोस्ट भी की, जिसमें मुख्यमंत्री जी फाइनल मैच की पहली पारी देखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे सच बताएं तो इस रील को देखकर लोगों को उनका क्रिकेट प्रेम कम और यकुलांस ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि इस मैच की पहली पारी, जो कि रात 9:30 बजे से ही पहले खत्म हो गई थी, उसे भी मुख्यमंत्री जी अकेले ही बैठकर देख रहे थे। उनके साथ मैच देखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनके कैमरा पर्सन के, जिसने उनकी रील बनाकर पोस्ट की होगी। वैसे उनकी इस पोस्ट पर आए कमेंट भी दिलचस्प हैं, जिसमें प्रदेश की जनता ने पूछा है कि नेताजी अब तो क्रिकेट विश्व कप भी जीत चुके हैं, अब तो थोड़ा अपना ध्यान भू कानून की तरफ ले आइए। कमेंट करने वाले कुछ ऐसे भी थे जो विषय से कतई नहीं भटके और उन्होंने अपनी टिप्पणी को पूरी तरह से क्रिकेट तक ही सीमित रखा। ऐसे लोगों ने ये सवाल जरूर किए कि मुख्यमंत्री जी जब क्रिकेट में दिलचस्पी रखते ही हैं, तो प्रदेश क्रिकेट की स्थिति सुधारने की दिशा में भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। उत्तराखंड में क्रिकेट की कितनी खराब स्थिति है, कितना भयानक भ्रष्टाचार इस खेल के नाम पर पनप रहा है और कैसे संसाधनों की बंदरबांट करते हुए उत्तराखंड को उतणदंड किया जा रहा है, इसे अच्छे से समझने के लिए आप बारामासा की इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री गोल्डन डक देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपको एहसास होगा कि पहाड़ के डोखरे पुंगड़ों की उन्नत मिट्टी से उपजी प्रतिभाओं को कैसे कुचला जा रहा है और क्यों क्रिकेट के इतना व्यापक होने के बाद भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व उसमें नगण्य है। इस विशेष डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्रदेश के अन्य खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक और राष्ट्रीय खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जो हम सभी के जीवन से जुड़ी है और हम सभी को प्रभावित करती है। आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट आज से गए जमाने की बात हो गए। इनका नया नामकरण कर दिया गया है। इंडियन पेनल कोड, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, उसका नाम आज से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। CRPC, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता था, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट को हिंदी में पहले भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहा जाता था और अब भी यही कहा जाएगा। फर्क बस इतना है कि अब इसका कोई अंग्रेजी नाम नहीं होगा और इसे हिंदी और अंग्रेजी सभी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहा जाएगा। ये तो हुई नामों की बात। इसके अलावा अगर बड़े बदलावों की बात करें तो अब आतंकवाद से जुड़े प्रावधानों को भी भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। हालांकि आतंकवादी गतिविधियों के लिए UAPA जैसे विशेष कानून पहले भी थे और अब भी बने हुए हैं, लेकिन पहले जहां इन अपराधों की जांच UAPA एक्ट लगने के चलते NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किया करती थी, वहीं अब जिले के SP या उनसे ऊपर के अधिकारी को ये अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में UAPA लगाकर NIA को जांच सौंपनी है या भारतीय न्याय संहिता के तहत स्थानीय पुलिस ही इसकी जाँच करे। एक और बड़ा बदलाव जो इस कानून में हुआ है वो मॉब लिंचिंग से जुड़ा है, जिसे अब बाकायदा परिभाषित करते हुए हत्या की एक श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। कुछ अन्य अच्छे बदलाव जो इन कानूनों में हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि अब सजा की परिभाषाएं और उसके स्वरूप भी विस्तृत कर दिए गए हैं। मसलन, अब कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा को बतौर सजा दिया जा सकेगा। इसे हल्के फुल्के अंदाज में समझना चाहते हैं तो वेलकम फिल्म का वो सीन याद कीजिए, जिसमें एक व्यक्ति सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति को सलाम साहब कहता दिखता है। उसे उदय भाई ने यह सजा इसलिए सुनाई थी क्योंकि एक दिन वो उन्हें सलाम करना भूल गया था, इसलिए अगले 6 महीनों तक सामने से गुजरते हर व्यक्ति को सलाम ठोकने की सजा उदय भाई ने उसे दी थी। फिर उसी सीन में एक आदमी था जिसे गुब्बारे फुलाने की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उदय भाई की बर्थडे पार्टी में उसने कुछ कम फुग्गे फुलाए थे, इसलिए उदय भाई ने उसे सजा सुनाई कि अब वो उनके अगले बर्थडे तक हर रोज सिर्फ फुग्गे ही फुलाएगा। वैसे इन फिल्मी उदाहरणों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम बता रहे हैं और ऐसी भौंकुच सजाओं का कोई प्रावधान नए कानूनों में नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मानव श्रम को बतौर सजा दिया जा सकेगा। जैसे छोटे मोटे अपराधों में अपराधियों को 2-3 महीने जेल में रखने की जगह उनसे सड़क बनवाने, गड्ढे खुदवाने, कूड़ा साफ करने या इसी तरह के कोई अन्य काम बतौर श्रम करवाए जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे।
ये काम क्या होंगे इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे जेलों पर बोझ भी कम पड़ेगा और ऐसी सजा से अंततः कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल सकेगा। आइडिया के स्तर पर ये एक अच्छी पहल है, लेकिन धरातल पर अगर इसकी मॉनिटरिंग बेहद प्रभावी नहीं हुई तो कहीं ये अपराधियों के लिए बच निकलने का एक आसान तरीका न बन जाए, ये चिंता कानून के कई जानकार जता रहे हैं। नए कानूनों में अच्छा प्रावधान जीरो FIR का भी जुड़ा है। हालांकि इसकी व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन अब इसे अच्छे से परिभाषित किया गया है, लिहाजा ये एक अधिकार के रूप में देश के नागरिकों को मिलने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कोई भी अपराध देश में कहीं भी घटित हुआ हो, पीड़ित पक्ष उसकी शिकायत किसी भी थाने में दर्ज करवा सकता है और पुलिस ये कहते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती कि ये मामला उसके ज्यूरिडिक्शन यानी उसके कार्य क्षेत्र से बाहर का है। अब पुलिस बाध्य होगी कि वो मामला दर्ज करे और खुद ही उस मामले को संबंधित थाने तक भेजे। एक और अच्छा प्रावधान एक्स पार्टी ट्रायल का भी जोड़ा गया है, जिसका असर ये होगा कि अब अगर आरोपित जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित होने से बचता है तो उसके बिना भी ट्रायल पूरा किया जा सकेगा। कुछ और भी सकारात्मक बदलाव इन कानूनों में किए गए हैं, जिनके चलते माना जा रहा है कि इनसे भारतीय न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या घटेगी और न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन इन कानूनों के सकारात्मक पक्ष जितने हैं, नकारात्मक उससे कहीं ज़्यादा। सबसे पहले तो बहुचर्चित आतंकवाद की धाराओं को लेकर ही जो बदलाव हुए हैं वही विवादों में घिरने लगे हैं। अब तक ऐसे गंभीर अपराधों की जांच विशेष कानूनों के तहत होती थी और इन्हें देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैंडल किया करती थी। अब इन मामलों में स्थानीय पुलिस यानी राज्य की ही पुलिस को भी जांच का अधिकार मिल गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकारों के संरक्षण में पलने वाले अपराधियों को इससे ताकत मिल सकती है। दूसरा अहम सवाल जो इन कानूनों पर उठ रहा है वो ये है कि इनसे पुलिस को कहीं कहीं असीमित अधिकार दे दिए गए हैं, जिनके चलते पुलिस स्टेट की अवधारणा मजबूत हो रही है और नागरिक अधिकारों को कुंद करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फिर जिस तरह की जल्दबाजी में ये कानून संसद में पारित हुए वो भी इसके आलोचकों का पक्ष मजबूत कर रहा है। ये नए कानून देश की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव ला रहे हैं, लेकिन इन पर उतनी विस्तृत चर्चा संसद में नहीं हो सकी क्योंकि विपक्ष के अधिकांश सांसदों को उस वक्त सदन से बाहर किया जा चुका था। नए कानूनों ने सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या विपक्ष के नेताओं को ही चिंतित नहीं किया है, बल्कि देश भर के वकीलों, पुलिस और कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े लगभग हर व्यक्ति को इन कानूनों ने जगबगा के रख दिया है। इनका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कानून बदलने के नाम पर 99% कानूनी प्रावधानों का सिर्फ सेक्शन बदल दिया गया है। मसलन मर्डर की परिभाषा और इसकी सजा आज भी वही है जो IPC में हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी सजा का सेक्शन धारा 302 की जगह धारा 103 में कर दिया गया है। तो अब पुरानी हिंदी फिल्में देखकर आपने जो डायलॉग याद किया था कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ग्याडू राम को ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन डायलॉग्स को अब भूल जाइए। अब मर्डर के लिए फांसी IPC की दफा 302 में नहीं बल्कि BNS की दफा 103 में होगी। ऐसा ही तमाम अन्य सजाओं और अपराधों के लिए भी कर दिया गया है, जिसके कारण अब दशकों से ये प्रावधान रटे हुए वकीलों को नए सिरे से प्रावधान रटने होंगे, जबकि उनका मूल वही है जो पहले था। इसका एक बड़ा नुकसान उन तमाम परीक्षार्थियों को भी होगा जो कई साल से जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंत समय में उनका पूरा सिलेबस बदल दिया गया, क्योंकि जुडिशरी की अब जो परीक्षाएँ होंगी उनमें नए कानूनों के तहत सवाल पूछे जाएंगे। ठीक ऐसी ही स्थिति लॉ करने वाले उन बच्चों की हो गई है जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इसी साल पास हुए हैं। उन्होंने पिछले 3 साल जो पढ़ाई की वो पूरा सिलेबस अचानक से बदल चुका है। कोर्ट में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी वकील भी काफ़ी असमंजस में हैं कि नए कानूनों के लागू होने से जो घबराहट मचा है उससे कैसे पार पाई जाए। उदाहरण के लिए यही मानिए कि किसी व्यक्ति ने 2 जून को एक हत्या की, लेकिन उस हत्या की जानकारी 1 जुलाई के बाद सामने आई जब देश में नए कानून लागू हो चुके थे। इस स्थिति में ये तो साफ है कि ऐसे व्यक्ति पर IPC की जगह BNS के तहत मुकदमा होगा, लेकिन उसका ट्रायल की प्रक्रिया CRPC के तहत होगी या BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, इस सवाल पर कानून के जानकार भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नए कानूनों के लागू होते ही पुराने कानूनों को पूरी तरह से खत्म समझा जाए ये प्रावधान नए कानून में ही स्पष्ट तौर से लिखा गया है, जबकि ये भी एक स्थापित कानून है कि अपराध के समय देश की कानून व्यवस्था में उस अपराध की जो सजा तय हो अपराधी को उससे ज़्यादा सजा किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। निर्भया मामले का ही उदाहरण देख लीजिए। निर्भया के हत्यारों में एक अपराधी की उम्र उस समय 18 साल से कम थी
और उस दौर में ये प्रावधान था कि 18 साल से कम उम्र के अपराधी को 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। उस मामले के बाद ये कानून बदला भी गया, लेकिन निर्भया मामले के उस अपराधी को कोर्ट को बरी करना पड़ा, जबकि बाकी सभी को फांसी हुई थी। आपराधिक कानूनों में बदलाव कोई पहली बार नहीं हो रहे। देश की आज़ादी के बाद न जाने कितनी ही बार इनमें बड़े बदलाव भी हुए हैं, जिनमें निर्भया मामले के बाद हुए बदलावों ने तो बलात्कार की परिभाषा को भी बहुत हद तक विस्तृत किया था। लेकिन इस बार कानूनों में बदलाव से ज़्यादा उनके नामों में बदलाव और उनकी धाराओं के संटवारे ने अराजकता की स्थिति बना दी है। बहरहाल, आपराधिक कानूनों में बदलाव की जरूरी जानकारी को समझ लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। इस हफ्ते इनकी शुरुआत कुछ ऐसी खबरों से करते हैं जो बारामासा के दर्शकों ने हमें सीधे पहुंचाई हैं। इन खबरों के आलोक में पहाड़ की पूरी स्थिति को समझा जा सकता है। अल्मोड़ा की एक छात्रा ने हमें अपने महाविद्यालय की जो स्थिति बताई है, कमोबेश वही स्थिति पहाड़ की पूरी शिक्षा व्यवस्था की है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय की ये छात्रा लिखती हैं कि यहाँ हम बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्डिंग खस्ताहाल है और आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है, बस बिल्डिंग कुछ और जर्जर हो चली है। शिक्षकों की कमी शुरुआत से ही बनी हुई है और आगे के कोर्स की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके चलते बच्चों को अल्मोड़ा से बाहर जाने को मजबूर होना ही पड़ता है। प्रिंसिपल की नियुक्ति आज भी नहीं हुई है और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। भरतनाट्यम डांस के विभाग में 2 साल से कोई टीचर तक नहीं है और हम बच्चे बस ऐसे ही जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और फीस जमा करके लौट आते हैं। बिना टीचर के 2 साल से हम सिर्फ समय काट रहे हैं, सीखने को कुछ नहीं मिला। कई बच्चों ने तो एडमिशन भी वापस ले लिए। स्थायी ना हो सके, कम से कम अस्थायी टीचर की ही व्यवस्था सरकार कर दे। बच्चों को प्रतिभा दिखाने का कोई अवसर यहाँ नहीं है और हमारी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले अल्मोड़ा में संगीत महाविद्यालय का ये हाल है। इस छात्रा की हताशा में पहाड़ के बच्चों का दर्द देखा जा सकता है और हमारे निहोने नेताओं की बेशर्मी भी। ऐसी ही स्थिति अल्मोड़ा के सौरभ दानी की भी है, जिन्होंने हमें अपनी आपबीती भेजी है। IIT से पढ़े सौरभ लिखते हैं, मैंने साल 2021 में पंतनगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 2023 में IIT से मास्टर्स पूरा किया। साल 2021 में ही UKPSC ने इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके लिए अप्रैल 2022 में परीक्षाएं भी हुई, लेकिन पेपर लीक के चलते ये परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई। फिर अगस्त 2023 में दोबारा पेपर हुआ और मार्च 2024 में परिणाम भी आ गए, लेकिन आज तक भी सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। 6 मई को संबंधित विभागों को ये भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि 1 हफ्ते के अंदर नियुक्तियां दी जाएं, लेकिन स्थिति आज भी वही ढाक के 3 पात वाली बनी हुई है। सौरभ जैसे छात्रों की स्थिति महसूस करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जब पहली बार परीक्षा दी थी तब वो सिर्फ एक ग्रेजुएट थे, तब से अब तक वो मास्टर्स भी कर चुके हैं और उसके बाद 1 साल का कोरा इंतजार भी, लेकिन आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। इतने समय में हमारे खड़ानिया जुगा नेताओं का आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका होता है, जिसकी बधाई देते हुए उनके चेले चपाटे शहर भर को पोस्टरों से पाट देते हैं, जबकि सौरभ जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को सालों साल बस इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा ही इंतजार पौड़ी जिले के लाखों लोगों के भाग्य में भी लिख दिया गया है, जो दशकों से सिंगटाली मोटर पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। बारामासा ने बीती जनवरी में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे ये पुल सालों पहले स्वीकृत होने के बाद भी आज तक नहीं बन सका। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण के लिए पौड़ी के ग्रामीणों ने उस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन भी किया था। इस चक्का जाम को BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये वादा करते हुए खुलवाया कि 15 फरवरी 2024 से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन गधे की लात और नेता की बात, जिस पर विश्वास करना हर बार एक जैसा ही होता है, इस बार भी वही हुआ। हालिया लोकसभा चुनावों में भी सिंगटाली पुल का मुद्दा खूब उछला। BJP के गढ़वाल से सांसद प्रत्याशी और अब नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने तो डबल इंजन का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार में यहां तक कह दिया था कि चुनावी आचार संहिता खत्म होने के अगले ही दिन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन म्यारा बल दन बल उदगबाई नहीं जल गखाई। आज आचार संहिता खत्म हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन लोग बस इंतजार करने को ही अभिशप्त हैं। वो इंतजार जो वे 2 दशक से कर रहे हैं। साल 2006 में तत्कालीन सरकार ने इस पुल के निर्माण की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दे दी थी। इस पुल का निर्माण गढ़वाल और कुमाऊं को एक वैकल्पिक मार्ग से जोड़ेगा, जिसके चलते बिना उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए राज्य के बीचों बीच एक रास्ता तैयार होगा। सिंगटाली व्यासघाट, सतपुली, सिद्धखाल, रिखणीखाल, नैनी डांडा, रामनगर, नैनीताल और थलीसैंण होते हुए बिनसर, रानीखेत, अल्मोड़ा तक सड़क का निर्माण बीते सालों में हो चुका है।
इसके साथ ही गढ़वाल मंडल की दूरी देहरादून से कम हो सकेगी और पहाड़ों में रहने वाले लोगों को यातायात की सुगमता मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों की आखिर पड़ी ही किसे है? अब तो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी तक हरियाणा से आयात किए जा रहे हैं। पहाड़ बस दरकने के लिए हैं और उनका दरकना बरसात के साथ ही शुरू भी हो चुका है। इस हफ्ते केदारनाथ से डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें केदारनाथ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर में गांधी सरोवर के ऊपर भारी हिमस्खलन हुआ। हालांकि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में ये एक आम घटना है, लेकिन हिमालय की ठीक जड़ में हमने जो कुकरगत मचाई है वो ऐसी स्थिति में आपदा को आमंत्रित करती ही है। 2013 की आपदा से हमने कोई सबक नहीं लिए हैं और भूवैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि वैसी ही आपदा अगर आज फिर से आती है तो इस बार जान और माल का खतरा तब की तुलना में कहीं गुना ज़्यादा होने वाला है। आपदाओं की आशंका इस साल कितनी ज़्यादा है, इसे आप सरकारी आंकड़ों से ही समझ लीजिए। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ही यहाँ 13 ग्लेशियर लेक ऐसी हैं जिन्हें रिस्क जोन में माना गया है और इनमें से 5 तो हाई रिस्क वाली श्रेणी में है। भूवैज्ञानिक SP सती बताते हैं कि इस साल जितनी गर्मी पड़ी है उसके चलते बर्फीले पहाड़ों पर बर्फ की पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो इन पहाड़ों से बड़ी मात्रा में बर्फ का खिसकना तेज हो सकता है। इस साल बारिश की संभावनाएं वैसे भी ज्यादा बताई गई हैं। ऐसे में इन झीलों का ब्रीच होना भारी आपदा का कारण बन सकता है। ये ग्लेशियर लेक टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में हैं, जिनमें वसुधारा ताल, विष्णुगंगा के ऊपर की झील और धौली गंगा, भिलंगना सहित गोरी गंगा के ऊपरी हिस्सों में बसी ग्लेशियर लेक भी शामिल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ITBP को इन पर विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है और जुलाई के पहले हफ्ते से इन्हें पंचर करके इनका पानी नियंत्रित तरीके से निकाले जाने की दिशा में भी काम होना की बात कही गई है। लेकिन बारिश की शुरुआत होते ही हरिद्वार में जिस तरह से नज़ारे दिखे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय भयावह हो सकता है। वैसे उत्तराखंड में जब चौतरफा पहाड़ों को नोचने और बांझा फरकाने का काम चल रहा है तो इस बीच कुछ जुनूनी लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ों के असल मुद्दों को लेकर आज भी मजबूती से डटे हुए हैं। बीते हफ्ते ऐसे ही कुछ लोग चौखुटिया में भी जमा हुए, जहां गैरसैंण स्थायी राजधानी संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राजधानी गैरसैंण, मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लाने के लिए संघर्ष तेज करने की बात हुई। इन्हीं मांगों को लेकर आने वाली 1 सितंबर को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भी गैरसैंण में एक महारैली बुलाई है। अब आप लोग तय कीजिए कि आपको पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहिए या संविधानी देहरादून। इसके अलावा भू कानून और मूल निवास के सवाल पर अगर आप चाहते हैं कि सरकार कीजिए मीटिंग खेलिए मीटिंग से आगे बढ़े तो 1 सितंबर की रैली पर नजर रखिएगा। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाग नमस्कार।